एक बार प्लीज डे ट्रेडर्स के लिए आप थोड़ा मोटर्स लेके आइए। फिर अभी तक बात ये थी कि डे ट्रेडर्स की पोजीशंस जो हैं वो लिक्विडेट हो रही थी, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे थे, लेकिन अब कुछ ये मैटर सीरियस हो गया है क्योंकि स्टॉक ने आज सडनली, अगर आप देखें इस दौर की हाई से 10 डे में थोड़ा, 20 डे में थोड़ा, 50 डे में थोड़ा। और पालवे साहब, अब मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि अब 325 के नीचे, 320 के नीचे ये अपने बेस फेज में जा रहा है जो कि इसने क्रिएट किया था मार्च से लेकर, अगर आप देखें करीब करीब 19 मई के बीच में। आपका नज़रिया क्या है? आई मीन थोड़े पोजिशनल ट्रेड्स पर आपका नज़रिया क्या है जो कि लॉन्ग थे? तो बिल्कुल वीरेन जी, जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर इसमें माउंट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सीरियस सेलिंग इसमें देखने को मिल रही है। ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये इसमें मुझे लगता है कि एक्सटेंड होते हुए दिखेगा यहाँ से डाउन मूव। और जिस तरीके से इसने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे, ये आज लग रहा है कि जिस तरीके से अभी सेलिंग प्रेशर है तो उसके नीचे ही आज ये क्लोज भी होता हुआ दिख सकता है। तो अगर ये आज 325 330 के नीचे ही बंद होता है तो स्टॉक में मुझे लगता है जो नेक्स्ट लेवल जो इसका आएगा इम्पोर्टेंट, वो आएगा करीब 305 के आसपास। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अभी और 10 से 15 रुपए का यहाँ से डाउन मूव यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है स्टॉक में। तो अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करें। जिन्हें भी बाय करना है थोड़ा सा वेट करें। ये सेलिंग प्रेशर जिस तरीके से माउंट होते हुए दिख रहा है, मुझे लगता है 305 तक के भी टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। जिन्होंने शॉर्ट पोजिशन ऑलरेडी इनिशिएट किया हुआ है वो अपनी पोजिशन को कैरी कर सकते हैं अभी ड्यूरिंग द डे। तो स्टॉप लॉस को अब नीचे खिसकाते जाएं। अब स्टॉप 317 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है अब स्टॉप लॉस को ले आ जाना चाहिए 323 के आसपास, और इस डाउन मूव को एक्सटेंड करते जाना चाहिए 310 और 305 की तरफ। ये स्टॉक आता है तो वहां प्रॉफिट बुक कर लें। 310 की तैयारी टाटा मोटर्स करता हुआ, ये एक स्टॉक आपके सामने। टाटा मोटर्स का डीवीआर भी यहाँ पर पिट रहा है, उस पर भी जाहिर तौर पर प्रेशर आया है। और जैसे वीरू ने एकदम सही टाइम पर आपको बताया कि टाटा मोटर्स अकेला नहीं है, बाकी के जो ऑटो कंपनियां हैं उनमें भी पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। M&M 1% नीचे, अशोक लेलैंड में प्रेशर, मदिसन सुमी देखिए वहां पर 2 से 2.5% तक की गिरावट बनती दिखाई दी। तो ये इनफैक्ट एक सेल साइड का ट्रेड बन चुका है आपके लिए, टाटा मोटर्स और बाकी ऑटो कंपनियां। संकल्प, आप कोई ट्रेड पकड़ रहे हैं क्या? अच्छा, संकल्प हमारे साथ नहीं है, उनको आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे। गाबा साहब, ऑटो कंपनियों में कोई मंदी का ट्रेड आप पकड़ रहे हैं टाटा मोटर्स के अलावा? मदिसन सुमी देखिए, अशोक लेलैंड देखिए, सब कमजोर होने लगे। मदरसन सुमी, यस, हो सकता है ट्रेड एक एग्रेसिव ट्रेड रहेगा। स्टॉप होगा करीब 240 का, पॉसिबल है कि 220 देखने को मिले या 225, ये एक जोन है। ये एक रिएक्टिव ट्रेड रहेगा मदरसन सुमी। हाँ, अशोक लेलैंड की बात देख लेता हूं। नॉर्मली मुझे अशोक लेलैंड बहुत अच्छा लगता है, पॉसिबल है कि इसमें थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, शायद एक लेवल 118 का देखने को मिल सकता है अशोक लेलैंड में। स्टॉप लगाना चाहिए 124, यहां पर एक रियल पॉसिबिलिटी है अशोक लेलैंड। ओके, तो अशोक लेलैंड में भी इस समय शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है। जो टाटा मोटर्स में पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं उसका एक असर बाकी स्टॉक्स में भी देखा जा रहा है वीरू। जी हाँ, डायरेक्टर साहब, एक काम कीजिए, टाटा मोटर्स का कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए और प्लीज उसमें ड्रॉ कीजिएगा आप 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिए, टाटा मोटर्स अपने बेयर फेस से 30 अक्टूबर 2020 को आया था, जब ये 140 से अगर आप देखें चलना शुरू किया था। 140 पे CLSA ने इसका टारगेट दिया था 190 का, फिर 210 पे टारगेट दिया था 290 का। प्लीज़ 50 डेमा को ड्रॉ कीजिएगा। इसने अमूमन 50 डेमा के नीचे करीब 15 रुपये के फिल्टर पर, यानी अगर आप 50 डेमा से अगर आप देखें 15 रुपये नीचे, ये अपना एक पैनिक लो क्रिएट कर लेता है। लेकिन अब ये मैटर वहाँ से भी एक्सटेंड हो रहा है और यकीन मानिए, अब जो लेवल जो दिया था राजेश पालवे जी ने कि 310 पे अपने अगर आप शॉर्ट हैं तो बुक कर लीजिए, वो क्या है? वो इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और उस एवरेज के पास ये स्टॉक आएगा। आप समझ लीजिए कि लगभग लगभग सितंबर 2020 के बाद पहली बार। इट्स ह्यूज, अगर आप देखें ह्यूज अनवाइंडिंग, ह्यूज शॉर्टिंग इस स्टॉक पे। और कुछ स्टॉक जो कि कमज़ोर हैं इसमें, अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज़ है, HCL टेक्नोलॉजीज बैकफुट पर आता है। आज IT स्टॉक्स में अगर आप देखें बैकफुट पर आने का रुझान सुबह से ही शुरू हो गया था। आपकी राय क्या है असित, IT स्टॉक्स में सडन अगर आप देखें ये मोमेंटम लॉस्ट, एंड ये जो मोमेंटम लॉस्ट हुआ है एक ऐसे इंडेक्स पे जो कि अपना ऑल टाइम हाई छू के आया, और उन स्टॉक्स पे जो कि आज से 5 रोज बाद अपनी अर्निंग्स देंगे, थोड़ा सा अगर आप देखें आपको हतोत्साहित और बैकफुट पे लेके आता है योर टेक ऑन IT स्टॉक्स एंड स्पेशली ऑन HCL टेक्नोलॉजीज असित? वरुण जी, लेकिन
I'm still kind of not positive in the IT stock. थोड़े profit booking देखने को मिला most of the stock, Infosys, TCS में, and as सारे के सारे stocks low है, but with the crude going up, you know, dollar, rupee going down, मुझे लगता है कि IT have the chance to kind of not bounce back. And TCS का result है, उससे पहले थोड़ा नरम में सारे पूरा सकता, but मुझे लगता है कि positionally it will be all fine. Infosys, TCS, HCL Tech में short build up देखने को मिल रहा है, that is definitely there. OI में, but ज़्यादा kind of a percentage nahi hai. I'll avoid IT stocks, but I think, you know, I will be quite biased towards Bank Nifty. Agar thoda aur dip milta hai, toh that will be a good zone to re-enter again. So I'll pick the Bank Nifty, ICICI Bank, State Bank, HDFC Bank. These are the things I'll be picking up. ध्यान दीजिए, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक. एचडीएफसी बैंक इस बीच बाय द वे 2.5% ऊपर आ चुका है, और आईसीआईसीआई बैंक भी करीब 0.5% से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा है. अच्छा, एक और पॉकेट है जहां पर तेजी देखने को मिली. हम ये टाटा मोटर्स और बाकी अनवाइंडिंग के चक्कर में इतने फंस गए कि हम भूल गए कि आज सीमेंट स्टॉक्स में जमकर तेजी होती दिखाई दी है. बड़ा वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला था, चाहे वो दिग्गज हो अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स या फिर मिड कैप स्टॉक्स, जहां पे जेके लक्ष्मी, इंडिया सीमेंट, सब में एक तरफा तेजी देखी गई और अच्छे वॉल्यूम्स पर दरअसल ये खरीदारी हुई है. अब यहां पर क्या पक रहा है, दीपाली राणा के पास कुछ डेटा है और वो हमें बताएंगी कि एग्जैक्टली क्यों ये पोजीशंस बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही हैं. दीपाली, एक अच्छा मोमेंटम आज हमने सीमेंट स्टॉक्स में बनते हुए देखा, और इसके पीछे दो इम्पॉर्टेंट रीजंस है. एक तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तेजी से पिकअप कर रही हैं, और दूसरी तरफ इस बार के जो नंबर्स रहेंगे क्वार्टर वन के, वो स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज ऐसे सिक्योरिटीज की ओर से आई है, जिस पर उन्होंने चैनल चेक किया है, और उनके रिपोर्ट में मेंशन किया गया है हालांकि इस बार के नंबर्स सिक्वेंशियल या फिर वाई बेसिस पर कंपेरेबल नहीं होंगे, मीनिंगफुल नहीं होंगे कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम्स है इस क्वार्टर में वो बेहतर रह सकते हैं. सालाना आधार पर तो 45% की ग्रोथ रह सकती है, सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा डिप जरूर रहेगा. लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अप्रैल और मई के दौरान जो प्राइस हाई कंपनीज ने किया था वो सस्टेन हुआ है, और इसी वजह से इनके जो रियलाइजेशंस हैं वो बेहतर होते हुए दिखेंगे. एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सालाना आधार पर जो एवरेज रियलाइजेशंस हैं वो सिक्वेंशियल बेसिस पे 5% ग्रो हो सकते हैं, वाई बेसिस पे भी 2.5% की ग्रोथ दिख सकती है. इसके अलावा जो पैन इंडिया यूटिलाइजेशन है कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी इस क्वार्टर में 70% के आसपास रहा है, जो कि काफ़ी एनकरेजिंग फिगर है. हालांकि इनकी कॉस्ट बड़ी है क्योंकि डीजल प्राइसेस बढ़े हैं, इंपोर्टेड कोल प्राइसेस बढ़े हैं, पेटकोक प्राइसेस में भी इजाफा देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पे, लेकिन उसके बावजूद भी बेटर कॉस्ट एफिशिएंसीज की वजह से जो एबिटा रहेगा इन कंपनीज का ऑन एवरेज वो 10% के आसपास की ग्रोथ दिखा सकता है. तो अच्छे नंबर्स की होप है, प्राइस हाइक सस्टेन कर रहा है, फर्दर प्राइस हाइक की प्रोबेबिलिटी बन रही है जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पिकअप कर रही हैं, और इन्हीं डेवलपमेंट्स के बीच में इन स्टॉक्स में ये तेजी बनती हुई दिखी है. तो अच्छे अर्निंग्स और आगे का आउटलुक और बेहतर होता हुआ दिख रहा है, यही दो इंपॉर्टेंट रीजंस है. जी, ये कुछ अगर आप देखें इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, और एक और सीधी सीधी बात जो ये भी है कि आप रियल स्टेट सेक्टर को देखिए, आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए, आप पूर्वांकरा को देखिए, आप डीएलएफ को देखिए, क्या मोमेंटम में ये स्टॉक है. और जो आरबीआई की रिपोर्ट में अगर आप देखें, जिस प्रकार से इन्वेंट्री जो है, अनसोल्ड इन्वेंट्रीज 2 साल के लोअर लेवल्स पे हैं, वो एक अमूमन अगर आप देखें सीमेंट के लिए अच्छी परिस्थिति बनती है. दैट्स गुड. अगर आप देखें सारे स्टॉक्स आज अंबुजा सीमेंट्स पे, अल्ट्राटेक सीमेंट पे सुबह सुबह हमने ऑप्शन ट्रेड्स किए थे, शानदार रहे. टाटा मोटर्स एक लोअर फ्रीज लगाकर 10% का अब थोड़ा सा पुलबैक देता हुआ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और कि कुछ स्टेबल हो ये स्टॉक. आपकी स्क्रीन पे 317.15 पे टाटा मोटर्स ट्रेड करता हूँ, लेकिन इसने प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी बाजार में ट्रिगर कर दी है. एक छोटा सा ब्रेक लेकर कमाई का अड्डा में तुरंत हासिल होता है.